हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोशाम। टेक्नोशाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर बैंक की, जो कि 10,000 mAh का पावर बैंक है और ये लेके आया है MI। तो देखते हैं, MI के प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, बट देखते हैं ये पावर बैंक कैसा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये है MI 10,000 mAh पावर बैंक 2i। ये Amazon पर इसका जो प्राइस है वो है 899 ओनली। ये पैकेट Amazon से ही मैंने मंगाया है। देखते हैं, ओपन करके देखते हैं इसको। ये बेसिकली 10,000 mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी है। इसमें डुअल USB आउटपुट है, टू वे क्विक चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग होती है इससे, कंपैटिबल विद 5V 2A, 9V 2A और 12V 1.5A चार्जिंग। MI पावर बैंक 2i, जो कि इसका जो आउटपुट है वो लगभग 18W, यानी हम कहें 18W तक ये एफिशिएंसी देता है। इसका जो मटेरियल है एल्युमिनियम एलॉय है, प्लस CNC एज का बना हुआ है। ये लिथियम पॉलीमर बैटरी जो होती है ये ड्यूरेबल होती है और चार्जिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। देखते हैं ये इसका पैकेट ओपन करके। काफ़ी लाइट वेट है और इसके साथ 6 मंथ की वारंटी भी MI हमें दे रहा है। इस पावर बैंक में हमारी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ सर्किट ब्रेकर्स दिए हुए हैं, जैसे कि हीट सेंसिटिव एंड टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म दी हुई है, जो कि लिथियम पॉलीमर बैटरी को सेफली ऑपरेट करती है। नंबर दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है। तीसरा है पावर बटन। पावर बटन से हम अपनी बैटरी को, पावर बैंक को अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रीसेट कर सकते हैं। और चौथा है इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तो ये अपने आप ही सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ इस पावर बैंक में दी हुई हैं, जो कि हमारी सेफ्टी को काफ़ी इंश्योर करती है। ये इसके साथ ये चार्जिंग के लिए केबल है, माइक्रो USB केबल है, और दूसरे साइड में इसका दूसरा जो एंड है वो है USB। एक साइड माइक्रो USB और दूसरा एंड जो है वो है USB। काफ़ी खूबसूरत और स्लिम डिज़ाइन है इसका, कैरी करने में बहुत आसान है, देख सकते हो आप। और वेट भी काफ़ी लाइट वेट है, केवल 240 ग्राम, 240 ग्राम का वेट है इसका। आराम से हम इसे लेके जा सकते हैं। और ये USB पोर्ट, ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। इस स्विच के दो काम हैं, एक तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाकी अगर कोई जैसे रीसेट करना हो तो रीसेट भी हम इसको कर सकते हैं। और ये है इसके दो पोर्ट, एक साथ हम अपने दो फ़ोन इस पर लगा के चार्ज कर सकते हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ। ये LED इंडिकेटर हैं 4, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो पावर बैंक है इसकी बैटरी कितने परसेंट तक चार्ज हो रखी है। अब मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ, इसकी कॉर्ड को हम इसमें कनेक्ट करते हैं। इसकी जो डायमेंशन है 7.1 × 1.4 × 14.7 cm। और दूसरा एंड इसका हम इसमें लगा देते हैं USB का। और जो माइक्रो USB का ये है, ये हमारा अपने स्मार्टफोन सैमसंग के में लगाते हैं। अगर आपका जो फ़ोन का कनेक्टर है अगर सी टाइप कनेक्टर लगता है तो उसके लिए आपको अलग से केबल लेनी पड़ेगी, वो केबल इसके साथ नहीं मिलेगी। तो बढ़िया है। अब इसको देखिए आप, चार्जिंग हो रही है और फास्ट चार्जिंग हो रही है। पावर बैंक तो MI के प्रोडक्ट बेसिकली अच्छे ही होते हैं, और सिलिक मॉडल है, वेट कम है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। और दोस्तों, अगर
इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी डिटेल में अगर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.technosyam.in पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।